दोस्तों, अगर हमें कोई स्मार्टफोन परचेज करना है तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम रहता है फेस्टिव सीजन का, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बेस्ट टाइम है कोई भी फ़ोन परचेज करने का। एक तो आपको इन दिनों में डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है, दूसरा बहुत सारे न्यू फ़ोन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हम बात करने वाले हैं आज अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। नवंबर में आपको कौन कौन से फ़ोन देखने को मिलेंगे, कौन से रहेंगे उनमें से गेम चेंजिंग फ़ोन, सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम रियलमी के साथ। देखो, रियलमी के आपको दो फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं, रियलमी एक्स सेवन और रियलमी एक्स सेवन प्रो। ये इंडिया में गेम चेंजिंग फ़ोन बन सकते हैं अपने प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि जो सबसे सस्ता 5G फ़ोन है उसका टैग रियलमी एक्स सेवन को मिल सकता है। यहाँ पर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर, जो कि बहुत ही सॉलिड प्रोसेसर है। उम्मीद है ये फ़ोन 20 से 25,000 की रेंज में देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में, मतलब 25 से कम ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना में इस फ़ोन का प्राइस है 20,000 के आसपास। ऐसे में थोड़ा और प्राइस बढ़ेगा इंडियन मार्केट के लिए, बाकी अपने प्राइस पे फिर भी ये फ़ोन रहेगा गेम चेंजिंग फ़ोन। दूसरा फ़ोन है रियलमी एक्स सेवन प्रो, यहाँ पर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ प्रोसेसर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है मीडियाटेक की तरफ से। चाइना में इसका प्राइस है 25,000 के आसपास, तो इंडिया में 30,000 की रेंज में ये फ़ोन आपको मिल सकता है। तो दोनों फ़ोन मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं, अगर ये सही प्राइस पर इंडिया में आते हैं तो मार्केट में तहलका मच सकता है। साथ में आपको रियलमी की क्यू सीरीज़ भी इंडिया में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर क्या होगा, आपको मिड रेंज सेगमेंट में रियलमी के न्यू फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा क्या निकल के आता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ब्रांड के बारे में, जो कि है माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स के आपको दो फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं। जो पहला फ़ोन रहेगा वो रहेगा एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन, मतलब 7-8 हज़ार की रेंज में ये आपको देखने को मिल जाएगा, मीडियाटेक हीलियो G35 के साथ। अगर ये आता है फ़ोन 7-7.5 हज़ार में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फ़ोन जो रहेगा वो रहेगा 10-12 हज़ार की रेंज का स्मार्टफोन, जहाँ पर आपको मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर। तो देखो, ऑन पेपर देखकर मैं कह सकता हूँ अगर ये फ़ोन इसी प्राइस पे आते हैं फिर तो मज़ा आ जाएगा। माइक्रोमैक्स ने जो न्यू ब्रांड बनाया उसका नाम है IN। ये आप बॉक्स देख सकते हैं कैसा आपको मिलने वाला है फ़ोन का। क्या आप एक्साइटेड हैं माइक्रोमैक्स के न्यू स्मार्टफोन्स के लिए? मुझे तो यार बहुत सही लग रहा है। अगर ये फ़ोन सही प्राइस पे आते हैं फिर तो पूरी टक्कर मिलने वाली है रियलमी, शोमी या फिर ओप्पो, वीवो जैसे स्मार्टफोन्स को। और ये भी कहा जा रहा है जो माइक्रोमैक्स है वो हर सेगमेंट में स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा। 7,000 से लेकर 25-30,000 की रेंज में भी आपको माइक्रोमैक्स के फ़ोन मिल जाएंगे, तो फ्लैगशिप किलर फ़ोन भी मिलने वाले हैं आपको माइक्रोमैक्स इनके अंदर। अब बात करते हैं हम सैमसंग के बारे में। देखो, सैमसंग के अभी कंफर्म नहीं हुआ कौन से फ़ोन आपको मिलेंगे नवंबर में, बट उम्मीद की जा रही है सैमसंग A72 ये फ़ोन आपको मिल सकता है। और जो सैमसंग का एक फ़ोन लॉन्च हुआ है ना बाहर स्नैपड्रैगन 750G के साथ, ये भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। आई थिंक इस फ़ोन का नाम था सैमसंग A52 या फिर 42, ऐसा कुछ नाम था इस फ़ोन का। ये भी फ़ोन अगर आता है इंडिया में अच्छी प्राइसिंग पे, तहलका मच सकता है, गेम चेंजिंग बन सकता है। ये रहेगा सैमसंग ब्रांड के अंदर सबसे सस्ता 5G फ़ोन। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गिववे के बारे में। इस चैनल पे न्यू गिववे स्टार्ट हो चुका है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 का। जल्दी से जाकर आप उसमें पार्टिसिपेट कर लो, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो को लिंक मिल जाएगा। इसका रिजल्ट मैं बहुत ही जल्दी निकालने वाला हूँ, तो पार्टिसिपेट आप जल्दी से कर लेना, बिल्कुल भी आप लेट मत कीजिएगा। अभी जो भी ऑफर चल रहे हैं और या फिर नवंबर में जो दिवाली ऑफर आने वाले हैं वहाँ पर आपको ये टैब बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पे मिलने वाला है। वहाँ पर मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये टैब प्राइस के हिसाब से कैसा लगा। साथ में जो दिवाली की सेल है वो भी जल्दी आने वाली है, उसको लेकर जो अंदर की बात है वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब अगर शोमी की बात की जाए तो रेडमी नोट 10 सीरीज, ये फ़ोन भी दोस्तों बिल्कुल दूर नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर, जो कि 5G प्रोसेसर है। पहले ये फ़ोन चाइना में लॉन्च किया जाएगा। रेडमी नोट 10, 10 प्रो, 10 प्रो मैक्स बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। इंडिया में भी उम्मीद है जल्दी आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में रियलमी एक्स सेवन आने वाला है, उसको टक्कर देने के लिए शोमी लॉन्च करेगा रेडमी नोट 10 सीरीज, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखते हैं बाकी क्या होता है आने वाले टाइम में, जैसे कुछ और कंफर्म होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बात कंफर्म है कुछ ना कुछ धमाल आपको मिलेगा शोमी की तरफ से भी। हमारा अगला ब्रांड है इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स के आपको दो फ़ोन देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से एक रहेगा पूरी तरह से गेम चेंजिंग स्मार्टफोन, यह है इन्फिनिक्स 08। अब यहाँ पर क्या है कि आपको मिलने वाला है मीडियाटेक किलो G90T प्रोसेसर, साथ में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। तो ये फ़ोन आ सकता है 15,000 की रेंज में, मतलब इससे कम ही आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। ये पहला फ़ोन होगा इन्फिनिक्स का जो कि सीधी टक्कर देगा रियलमी या फिर शोमी या फिर पोको को,
उस प्राइस सेगमेंट में है, और इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है। आप देख सकते हैं कैसा आपको ये मिलने वाला है। इसके अलावा आपको इन्फिनिक्स का एक और फ़ोन देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 10,000 की रेंज का स्मार्टफोन। ये भी दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ोन रहेगा अपने प्राइस सेगमेंट में। मुझे उम्मीद है कि ये फ़ोन 10,000 में बेस्ट फ़ोन भी बन सकता है। फिलहाल हम कहते हैं Redmi 9 Prime को बेस्ट फ़ोन अंडर 10,000, या फिर 10,500 में पोको M2। ये दोनों फ़ोन बेस्ट हैं इस टाइम पे अपने प्राइस पे। इनको पूरी तरह से टक्कर दे देगा इन्फिनिक्स का न्यू स्मार्टफोन। उसके बाद वन प्लस की बात की जाए तो वन प्लस के दो फ़ोन ऐसे हैं जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। एक तो है वन प्लस नोट एन 10, जो कि है एक मिड रेंज फ़ोन वन प्लस की तरफ से, जहां पर आपको मिल जाएगा 5G का सपोर्ट। स्नैपड्रैगन 690 के साथ ये फ़ोन लॉन्च किया जाएगा। पहले ये फ़ोन आपको इंडिया के बाहर देखने को मिलने वाला है, ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। इंडिया में अभी कंफर्म नहीं हुआ ये फ़ोन कब लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है नवंबर में आपको कुछ ना कुछ धमाल मिल सकता है वन प्लस की तरफ से भी इंडियन मार्केट में। और एक फ़ोन रहेगा वन प्लस नोट एन 100, ये आपको फ़ोन मिलेगा बजट सेगमेंट में, यानी कि 10,000 से कम में ये आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन 460 के साथ। ये दोनों ही फ़ोन गेम चेंजिंग हो सकते हैं अपने अपने प्राइस सेगमेंट में। बस वेट हम कर रहे हैं इंडिया में ये फ़ोन कब लॉन्च किए जाते हैं, ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुई है। अब वीवो की बात की जाए तो वीवो V20 आप जानते हैं कैसा वो फ़ोन है, मैं आपको इस फ़ोन का वीडियो भी दे चुका हूँ। अब आपको कुछ टाइम में वीवो V20 Pro भी देखने को मिलने वाला है। जो वीवो V20 है ये आपको मिलता है फ़ोन 24-25,000 की रेंज में, और जो वीवो V20 Pro है ये आपको मिलेगा 28-29,000 की रेंज में। देखना ही होगा प्रोसेसर यहाँ पर कौन सा दिया जाता है और ये फ़ोन कितना धमाल कर पाता है उस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि जो वीवो V20 है ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से अपने प्राइस पे। बस थोड़ी बहुत यहाँ पर कमियाँ रह गई हैं जिनको दूर करना पड़ेगा वीवो को OTA अपडेट की मदद से। अगर वीवो V20 Pro आता है 28-29,000 में और स्नैपड्रैगन 720G के साथ, तब तो मज़ा नहीं आएगा। बट अगर प्रोसेसर अपग्रेड किया जाता है तब मैं कहूँगा बात बन सकती है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, कौन सा प्रोसेसर आएगा इस फोन में, बताना मुझे कमेंट्स में। इसके बाद जो ओप्पो है वो भी कुछ ना कुछ लॉन्च जरूर करेगा, जो कि टक्कर देगा वीवो V20 और V20 Pro को। फिलहाल जो ओप्पो F17 Pro है इसकी टक्कर उतनी नहीं बन पा रही है वीवो V20 से। वीवो V20 काफ़ी आ गया है फ़ोन ओप्पो F17 Pro के कंपैरिजन में, इसलिए ये आप मान लो ओप्पो की तरफ से भी कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा। 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में दो फ़ोन आपको मिल सकते हैं। बाकी ओनर को लेकर भी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि ओनर का भी आपको एक फ़ोन देखने को मिल सकता है, जो कि रहेगा 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में। ये बात आप ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हैं। अब देखना ये है ये फ़ोन आएगा नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में, इसको लेकर भी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। फिलहाल तो जो कुछ भी है लीक्स है, बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक्स है, या आप कह सकते हैं अंदर की बात है। मोटोरोला भी लॉन्च करने वाला है मोटो एज लाइट। अभी आपको मिल रहा है मोटो एज प्लस, जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन है मोटोरोला की तरफ से। जो मोटो एज लाइट है ये आपको मिलेगा फ़ोन 25,000 से लेकर 30,000 की रेंज में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये टक्कर देगा वन प्लस नोट को, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 765G। इसके पास अपने कुछ प्लस पॉइंट्स रहेंगे, मतलब उस प्राइस सेगमेंट में। एक तो क्लोज टू स्ट्रोक एंड्रॉइड ये आपको मिलने वाला है। दूसरा बोला जा रहा है कैमरा इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा हो सकता है, देखते हैं क्या निकल के आता है। फिलहाल तो ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म आप मान सकते हैं, ये आपको मिलेगा 25,000 से लेकर 30,000 की रेंज में। वेट करते हैं हम क्या होते हैं। अब अगर बात की जाए गूगल के बारे में तो गूगल पिक्सल 5 ये भी आपको दोस्तों इंडिया में देखने को मिलने वाला है। गूगल की जो पिक्सल 4A है ये फ़ोन मुझे बहुत ही अच्छा लगा 30,000 में। मेरी वीडियो जल्दी आपको मिलेगी इस फ़ोन की, जैसे ही मैं वीडियो लाऊंगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप चेक कर लेना। ये फ़ोन दोस्तों 30,000 में आपको मिल रहा है, और 30,000 में आपको ये फ़ोन बहुत ही पसंद आने वाला है गूगल पिक्सल 4A। अब जो गूगल पिक्सल 5 है अगर ये अच्छी प्राइसिंग पर लॉन्च होता है इंडिया में, ये भी दोस्तों धमाल मचा सकते हैं मार्केट में, क्योंकि गूगल के पास अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। तो काफ़ी सिक्योर रहेगा फ़ोन ये, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ब्रॉडवेयर एड्स का कोई पंगा देखने को नहीं मिलने वाला। साथ में गूगल का नाम है तो आप सिक्योर इस फ़ोन को बोल सकते हैं, और आपको बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड यहाँ पर मिलेगा, प्योर एंड्रॉइड जिसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और कैमरा मिलेगा गूगल पिक्सल 5 का आपको नेक्स्ट लेवल का, यूज़ करके आपको मज़ा आ जाएगा। पिक्सल 4A का कैमरा मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, लेकिन पिक्सल 5 से मुझे पूरी उम्मीद है कैमरा इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो ये कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो कि आपको नवंबर में देखने को मिल जाएंगे। इनमें से अब काफ़ी सारे फ़ोन हैं जो रहेंगे अपने सेगमेंट में गेम चेंजिंग स्मार्टफोन। सब कुछ मैं आपको वीडियो में साथ साथ बता चुका हूँ। अब आप बताओ मुझे कमेंट्स में आप इनमें से किस फ़ोन का वेट कर रहे हैं, और मैं कोई फ़ोन भूल गया हूँ वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।